हेलो दोस्तों, अगर आपको भी इस प्रकार से हैप्पी दिवाली के लिए आपको स्टेटस एडिटिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिए। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं किस प्रकार से आपको स्टेटस एडिटिंग करना है। गाइज, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा अपना चैनल पर लाते रहता हूँ। तो दोस्तों, लेट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, अपना काइनमास्टर ऐप को ओपन कर लेना है। उसके बाद से दोस्तों प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, 16:9 वाला रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से दोस्तों आपको एक ब्लैक टेम्पलेट को यूज करना होगा, जो कि मेरे वीडियो में के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना है। ये दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार से मेरा टेम्पलेट वीडियो है, ठीक है। इसको दोस्तों आप जितना सेकंड तक बनाना चाहते हैं आप अपने अनुसार वीडियो को सिलेक्ट कर सकते हैं, रेशियो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं 15 सेकंड तक वीडियो बनाना चाहता हूं, तो 15 सेकंड तक मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद से दोस्तों इसको सिलेक्ट करके और कैंची वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आपको ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, यानी कट कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा वीडियो जो है 15 सेकंड तक कट हो चुका है। उसके बाद से दोस्तों क्या करना है आपको, आप अपना फोटो को PNG यहां सेलेक्ट करना है। अगर आप फोटो को PNG बनाना नहीं जानते हैं तो मैं इसके ऊपर पहले से ही वीडियो बना दिया हूँ, वहाँ से जाके आप PNG अपना फोटो को बना लीजिएगा। तो PNG सेलेक्ट करने के लिए लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मीडिया वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से दोस्तों अपना फोटो का जो PNG है, PNG आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं PNG जो है देख सकते हैं, जो मैं यहाँ मेरे PNG काट के रखा हूँ, PNG यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से दोस्तों इसको पूरा फुल रेजोल्यूशन आपको मतलब कर लेना है, ठीक है। उसके बाद से नीचे की तरफ इस साइड देखेंगे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक ऑप्शन मिल जाएगा ब्लेंडिंग का, ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो एक एक ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन का, स्क्रीन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। स्क्रीन वाला जैसे ही ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जो है फोटो जो बैकग्राउंड में चला जाएगा, तो बहुत ही देखने में अच्छा लगेगा इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ से आपको ओके कर लेना है। फिर से दोस्तों इसी फोटो पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है, डुप्लीकेट इसका कर लेना है, एक यानी एक लेयर, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों इसको खींच के कुछ इस प्रकार से इधर लेके चले आना है। फिर से दोस्तों इधर देख सकते हैं एक मिरर वाला ऑप्शन मिल जाता है, मिरर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको इस फोटो को इस प्रकार से रोटेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद से ओके कर लेना है। फिर से दोस्तों इसी वाला फोटो पे क्लिक करना है, उसके बाद से आपको कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ कुछ इस प्रकार से अच्छी तरह से एडजस्ट हो गया है, आप अपने अनुसार अच्छा तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद से दोस्तों क्या करना है आपको, लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ आपको मीडिया वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ एक ऑप्शन मतलब और ऐड करना है, PNG हैप्पी दिवाली का, ठीक है। वो हैप्पी दिवाली का PNG आपको यहाँ ऐड करना है। तो मैं इसको डाउनलोड करके रखा हूँ, इसको ऐड मैं कर लेता हूँ, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं। उसके बाद से दोस्तों इस फोटो का रेजोल्यूशन जो है पूरा फुल कर लेंगे। उसके बाद से नीचे की तरफ इसमें सेलेक्ट करके जाएंगे तो एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा, ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन में जाके आपको इसको स्क्रीन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद से ओके कर लेना है। फिर से इसी वाला फोटो को लेयर के ऊपर क्लिक करके आपको इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद से दोस्तों आपको कर लेना है ओके। तो देख सकते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव यहाँ देखने में लग रहा है। उसके बाद से दोस्तों क्या करना है, एक मतलब दिया का फोटो लगाना है, ठीक है, दीप का। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, स्टिकर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, यानी ओवरले का ऑप्शन आ जाता है किसी किसी काइनमास्टर में, ठीक है। तो ओवरले यानी स्टिकर ये दोनों एक ही है, इस पर क्लिक करना है। उस दिवाली वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से एक आपको दिया वाला जो ये ऑप्शन है आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसको भी क्या करना है, आपको रेजोल्यूशन पूरा बढ़ा लेना है, खींच के पूरा फुल वीडियो जितना तक है उतना तक खींच के बड़ा कर लेना है। उसके बाद से दोस्तों कुछ इस प्रकार से इसको छोटा करके यहाँ आपको सेटिंग कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हैं आसानी से मैं सेटिंग कर लिया हूँ, जो वीडियो है बन के रेडी हो चुका है बिल्कुल। ये जो साउंड है मैं इसको साउंड को कट मतलब ये साउंड को ऑफ कर देता हूँ, म्यूट कर देता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ जो मेरा वीडियो है, वीडियो बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। आपको जो भी सॉन्ग लगाना चाहते हैं सॉन्ग आप अपने अनुसार लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं सॉन्ग लगाने के लिए आपको क्या करना है, ऑडियो वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो भी डाउनलोड किए होंगे आपको सॉन्ग लगा लेना है। तो मैं दोस्तों सॉन्ग लगा लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से सॉन्ग को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद से दोस्तों ओके कर लेना है। अगर सॉन्ग को आप कट करना चाहते हैं तो सॉन्ग वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ भी आपको नीचे की तरफ जाएंगे,
यहाँ ट्रिम का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कैंची वाला ऑप्शन मिल जाता है। आप जिधर से भी कट करना चाहते हैं आसानी से यहाँ कट कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हम जो मेरा वीडियो है बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ मैं आपको अगर प्ले करके दिखाऊं तो देख सकते हैं, मैं यहाँ प्ले करता हूँ वीडियो को। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन स्टेटस बन के रेडी हो चुका है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा अपना चैनल पर लाते रहता हूँ। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।